तो यार दोस्तों, रोहित शर्मा 2024 में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के रिलेटेड एक हिंट दिए। यह इंसिडेंट है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दो टेस्ट मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो यार बहुत सारे रिपोर्टर्स ने यह दावा किया था कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और T20 सीरीज का हिस्सा भी नहीं होंगे। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कैप्टनसी निकालकर हार्दिक पांड्या को दी। MI के ऐसा करने पर सभी फैंस को यही लगा कि रोहित शर्मा अब T20 से रिटायरमेंट ले सकते हैं, पर BCCI ने अपना स्टेटमेंट क्लियर किया था कि अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी फर्स्ट चॉइस एज अ कैप्टन रोहित शर्मा ही होंगे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया तो रोहित ने कहा कि मेरे सामने जो भी है मैं उसे खेलने को देख रहा हूँ। तो यार रोहित के इस स्टेटमेंट पे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि 2024 में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा खेल सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह की कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यार दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित को T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कॉमेंट्स करके बताना।